नमस्कार दोस्तों मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरोपोड का शिवराज के साथ दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से मैं बीमारी की वजह से कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रहा था अभी के वक्त मेरी तबियत थोड़ी बहुत ठीक है इसलिए मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं तो चलिए आज की कहानी को बिना वक्त जय किए शुरू करते हैं <coughs> दोस्तों मेरा नाम गौतम है और आज की ये कहानी मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटी एक बहुत ही अजीब घटना है मैं आपको मेरे कॉलेज और बाकी जगहों का नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं किसी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता पर जिस दिन हमारे साथ वो डरावनी घटना घटी थी उसी दिन मेरे एक दोस्त सार्थक का बर्थडे भी था इसलिए उसी दिन दोपहर हमने कॉलेज बंक करने का प्लान बनाया था हमने पार्टी करने के लिए बियर और खाने पीने का जरूरी सामान बैग में भर लिया और फिर पार्टी करने के लिए कॉलेज के पीछे चले गए कॉलेज के पीछे थोड़ी दूर एक जंगल था हमने पार्टी के लिए उसी जंगल के पास की एक जगह को चुनना ठीक समझा अब उस जंगल के बारे में कहे तो वो एक छोटे बड़े पेड़ों का जंगल था उसके आसपास इंसानों की बस्ती भी थी ज्यादा घना तो नहीं था लेकिन उस जंगल में जानवरों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई गई थी और इसी कारण सरकार ने उसे जंगल घोषित कर दिया था हालांकि वहां के जंगली जानवर वैसे खूंखार नहीं थे लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उस इलाके के आसपास तारों का कंपाउंड बनवाया गया था जंगल का कुछ हिस्सा आसपास के लोगों के लिए खुला था जहां वो बिना इजाजत जा सकते थे तो जैसा तय हुआ था सार्थक हरीश और मेरा चौथा दोस्त गुलाब हम बाइक लेकर एक सुनसान शान जगह पर पहुंच गए वो जगह हमारे कॉलेज से तीन से चार किलोमीटर दूर थी लेकिन पार्टी करने के लिए बहुत बढ़िया थी वहां किसी का आना जाना नहीं था दोपहर का वक्त हो चला था हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो बाहर से आसानी से किसी को दिखाई ना दे हमने थोड़ा आसपास घूमकर एक शांत और झाड़ियों से घिरी हुई जगह को चुना <coughs> और वही जमीन पर कुछ पेपर बिछाकर हम उस पर बैठ गए हमारे आसपास एकदम घनी झाड़ियां थी वहां का वातावरण भी एकदम शांत और ठंडा था वहां बैठते ही हमने बैग से बियर की बोतलें निकाली और साथ में जो चिकन और खाने का सामान था उसे भी निकालकर पेपर के बीचों बीच रख दिया चिकन का स्मेल आते ही सबके मुंह में पानी आ गया कुछ ही देर में हमने बियर की बोतलें खोली और बियर पीते पीते हम आपस में बातें करते हुए पार्टी करने लगे करीब आधे पौने घंटे के बाद सार्थक को टॉयलेट आ गया वो हमें उंगली से इशारा करते हुए वहां से उठकर एक बड़े घने पेड़ के पास चला गया उसी बीच बातें करते करते मेरा ध्यान सार्थक की तरफ गया जब मैंने उसे देखा तब वो अजीब तरह से अपने शरीर को झटक रहा था मैं अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा कि वो अपने शरीर को झटकते हुए करीब करीब नीचे गिर पड़ा मैं जल्दी से उसके पास चला गया मैंने उसे उठाने के लिए उसको हाथ लगाया तभी वो झट से उठकर बैठ गया और उसने एक अजीब ही आवाज में कहा ठीक हूं मैं ठीक हूं।, हूं मुझे लगा शायद बियर पीने के कारण उसका बैलेंस चला गया होगा और वो जमीन पर गिर पड़ा होगा हम दोनों आकर फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए सार्थक बियर पीने लगा हम बाकी तीनों भी आपस में बातें करते हुए अपनी अपनी बियर पी रहे थे लेकिन तब हमने देखा कि सार्थक ने एक के बाद एक तीन बियर की बोतले एक झटके में खाली कर दी और इतना ही नहीं वहां जो चिकन रखा था वो भी उसने किसी जानवर जैसे खाकर खत्म कर दिया उसकी उस अजीब हरकत के कारण हम बस उसे देखते रह गए वो देख गुलाब और हरीश उस पर चिल्लाने लगे पागल है क्या तू सबके लिए मंगवाया था ना तूने तो अकेले ही सब खत्म कर दिया अब इतना दूर कौन जाएगा इतनी भूख थी तो पहले बता देता तब सार्थक ने एक बहुत ही अजीब आवाज में हरीश से कहा जा मेरे लिए और बियर और गोश्त लेकर आ मुझे बहुत भूख लगी है तब मैंने उसके चेहरे को देखा उसका चेहरा सूखा सफेद <coughs> उसका चेहरा सूखा सफेद पड़ा हुआ लग रहा था आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी उसकी आवाज में जो बदलाव आया था वो हम तीनों ने भी महसूस किया था लेकिन हरीश को वो सब कुछ और ही लग रहा था तो उसने कहा तुझे क्या लगता है तो ऐसे नाटक करेगा और हम डर जाएंगे पर मैंने कुछ देर पहले सार्थक का तड़पता हुआ शरीर देखा था मैंने हरीश के कंधे को पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया तभी सार्थक गुस्से में गुर्राते हुए उठ खड़ा हो गया और कहीं जाने लगा मैंने उसे आवाज दी सार्थक अब कहा जा रहा है उसने अपनी गुस्से लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और वो सीधा वहां से चला गया उसके जाने के बाद मैंने हरीश और गुलाब को बताया कि अभी कुछ देर पहले जब सार्थक टॉयलेट करने पेड़ के पास चला गया था तब मैंने उसे उस पेड़ के पास तड़पता हुआ देखा था तब वो तुम्हारे पेट के पीछे था इसलिए तुम दोनों उसे देख नहीं पाए मैंने देखा कि अचानक से वो अपना शरीर झटकने लगा था और शरीर झटकते झटकते वो नीचे गिर पड़ा जब मैं उसे उठाने उसके पास गया तब तो उसने ऐसी ही अजीब आवाज में मुझे कहा था कि मैं ठीक हूं ये बात कहते ही हरीश उठकर पेड़ के पास चला गया वहां जाकर वो पेड़ को देखने लगा उसने देखा कि वहां एक टूटा खराब नारियल पड़ा हुआ था और सार्थक ने उसी पर पेशाब किया था लेकिन अब वहां पेशाब नहीं खून का रंग दिखाई दे रहा था वो लाल खून सा पानी हर तरफ फैला हुआ था वो देख हरीश ने गुलाब और मुझे कहा देखो ये यहां क्या है ऐसा लग रहा है जैसे उसने पेशाब नहीं किया है बल्कि उसका खून निकला हो वो देख मैं भी हैरान रह गया था ऐसा कैसे हो सकता है उसने तो हमें कुछ भी नहीं कहा हरीश ने तब अपने आसपास देखते हुए हम दोनों से एक बात कही शायद तुम लोग इस बात को जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता वैसे मैं भी ठीक से नहीं जानता पर कुछ कुछ इस जगह के बारे में सुना है कहते हैं कि यहां के लोग इस जगह पर मतलब काला जादू तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसा कुछ काम करते हैं शायद ये भी उसी का कोई प्रकार हो तब गुलाब ने उस पर हंसते हुए कहा मतलब तू क्या कहना चाहता है कि सार्थक के ऊपर भूत सवार है हरीश ने सिर्फ हा में सर हिलाकर उसे जवाब दिया हरीश की बात सुनकर मैं सार्थक को यहां ढूंढने लगा पर सार्थक वहां आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए सार्थक जिस दिशा में गया था ठीक उस दिशा में मैं चल पड़ा कुछ तीस चालीस कदम चलने के बाद मैंने देखा कि उस जगह पर कई तरह के नारियल सूखे सड़े गले नींबू मूंग की काले कपड़े की गुड़िया ऐसी कई चीजें पड़ी हुई थी जिन पर शायद तरह तरह के तंत्र मंत्र किए गए थे पेड़ों पर पत्थरों पर कई तरह के निशान बने हुए थे कई तरह के आकार थे मतलब हो सकता है कि हरीश की बात में कुछ न कुछ सच्चाई थी वैसे हम लोग भूत प्रेत इन सब पर विश्वास नहीं करते थे पर वहां का माहौल इतना अजीब था कि न चाहते हुए भी अब हमें डर लगने लगा था अगर वो भूत प्रेत का मामला नहीं है तो जरूर सार्थक बीमार है हरीश और गौतम भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे वहां वो सब देख वो भी चौंक गए थे तब मैंने हरीश से कहा चलो चलकर सार्थक को ढूंढते हैं और उसे जल्दी से यहां से लेकर कहीं दूर चले जाते हैं सबको मेरी बात ठीक लगी उस वक्त वहां से निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर था हम सार्थक को ढूंढते हुए और आगे चले गए एक पेड़ के पास हमें कुछ हलचल सुनाई दी हमने देखा तो सार्थक वहां छुपकर किसी जानवर का मांस खा रहा था वो सड़ा मांस था वो देख गुलाब और हरीश को उल्टी जैसा हुआ पता नहीं वो जानवर वहां कितने दिनों से मरा पड़ा था। उसकी सड़न की बदबू नाक में जाते ही मैंने नाक और मुंह बंद कर लिया और घुटन जैसी आवाज में मैंने सार्थक को आवाज दी अरे सार्थक तू ये क्या कर रहा है तू कहीं पागल तो नहीं हो गया सार्थक हमें देख उठ खड़ा हो गया तब वो मुझे देखकर अजीब ढंग से हंस रहा था मैंने देखा कि उस सड़े हुए मांस पर कई तरह के की कीड़े रेंग रहे थे उस पर हर तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी वही हाल हरीश के मुंह का था उसके चेहरे पर भी अब मक्खियां भिन भिनाने लगी थी मुंह पर कीड़े रेंग रहे थे पर उसे उस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था हरीश और गुलाब वो देख वहां से दूर चले गए पर मैं समझ चुका था कि सार्थक को हमारी जरूरत है अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि उसे सच में हमारी मदद की जरूरत थी मैंने अपने रुमाल से उसका मुंह पोछ लिया और उसके हाथ और मुंह को साफ करते हुए वहां से दूर लेकर चला गया मैंने महसूस किया कि वो किसी पुतले जैसा बन चुका था हम दोनों बाइक की तरफ चले जा रहे थे और मैं सार्थक से कई सवाल पूछ रहा था पर वो मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था आखिरकार हम तीनों ने मिलकर किसी तरह सार्थक को उसके घर पहुंचा दिया घर जाने के बाद गुलाब और हरीश वहां से अपने अपने घर चले गए पर मैं वहीं पर रुका रहा मैंने सार्थक के पिताजी को उसे उसके कमरे में सुलाने के लिए कहा और फिर उन्हें बाहर लेकर चला गया बाहर जाने के बाद मैंने उन्हें हमारे साथ वहां उस जंगल के बाद जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया सार्थक के पिताजी बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे उन्होंने बड़ी शांति से मेरी सारी बात सुन ली लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने बस कुछ देर के लिए मुझे उनके घर रुकने के लिए कहा वो बस पक्का करना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं फिर उन्होंने एक डॉक्टर को घर बुलाया सार्थक अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था डॉक्टर ने उसके मुंह की उसके पेट की जांच की उससे जबरदस्ती उल्टी करवाई और फिर उसे कुछ दवाइयां दी अंधेरा होने तक उसने कोई आवाज नहीं की वो बस शांत पड़ा रहा फिर धीरे धीरे रात हो गई ऐसा लग रहा था कि सार्थक की तबीयत ठीक हो रही है मैं वहां से जाने ही वाला था कि सार्थक के घर वालों ने कहा कि अब रुके हो तो खाना खाकर ही जाओ सार्थक के जन्मदिन पर उन्होंने उसका पसंदीदा खाना बनवाया था घर वालों के आग्रह के चलते मैं वहीं पर रुक गया खाना लगाने के बाद सार्थक के पिताजी सार्थक को जगाने के लिए उसके कमरे के पास चले गए पर वो कमरे के अंदर नहीं गए उन्होंने बस दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर झांक कर देखा अगले मिनट उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मुझे भी कमरे के अंदर झांकने का इशारा किया मैंने शांति से उस छोटी जगह से अंदर झांक कर देखा देखा तो सार्थक अपने दोनों हाथों के पंजे अपने घुटनों पर रगड़ रहा था वो बेड पर उठकर बैठा हुआ था और घरघराती गर आवाज करते हुए अपने शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं झुला रहा था उसकी आंखें बहुत लाल दिखाई दे रही थी मैंने इशारे से सार्थक के पिताजी को हल्की आवाज में बताया कि ऐसा ही कुछ जंगल में भी हुआ था सार्थक के पिताजी बड़े आराम से दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े हो गए और वहां खड़े होकर उन्होंने आराम से सार्थक को आवाज दी सार्थक बेटा खाना लग गया है चलो जल्दी से आ जाओ मैंने देखा कि उनकी आवाज सुनते ही सार्थक अचानक से नॉर्मल हो गया उसकी आंखें उसका शरीर एकदम ठीक हो गया और उसने हड़बड़ाते हुए यहां वहां देख उनकी बात का जवाब तक दिया जी पिताजी आ रहा हूं अब इस बार उसकी आवाज फिर से बदल चुकी थी पर हमने उसका असली रूप देख लिया था हम सभी शांति से खाने की जगह पर बैठ गए कुछ ही देर में सार्थक वहां आ गया उसके पिताजी ने उस वक्त जानबूझ बाहर से थोड़ा चिकन मंगवाया था जब हम सब खाना खाने बैठे तो उन्होंने उस चिकन का पैकेट खोलकर सार्थक से दूर रख दिया सार्थक बार बार चिकन की तरफ देख रहा था जब सार्थक की मां उसे चिकन परोसने लगी तब उसके पिताजी ने उसे दूर हटाते हुए कहा अरे नहीं उसकी तबीयत खराब है ना डॉक्टर ने उसे चिकन खाने से मना किया है आज वो बस दाल रोटी और ये करले की सब्जी खाएगा और ऐसा कहते हुए उन्होंने उनके पास रखी करले की सब्जी सार्थक की थाली में परोस दी तब हमने महसूस किया कि ऐसा करते ही सार्थक के चेहरे का रंग बदलने लगा था वो जोर जोर से सांस ले रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी हाथ पांव गुस्से से थरथरा रहे थे वो अजीब तरह से घरघराती गर हुई आवाज में बोला नहीं, नहीं, "मैं बीमार नहीं।" खाने के के लिए लिए मांस चाहिए चाहिए मुझे पीने के लिए चाहिए। और ऐसा बोलकर सार्थक उसके सामने रखे चिकन पर झपट पड़ा उसका वो रूप देख उसकी माँ हैरान हो गई वो बहुत डर गई और रोने लगी तब सार्थक के पिताजी उन्हें संभालते हुए दूसरे कमरे में लेकर चले गए और फिर उन्हें समझा कर उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहा सार्थक के पिताजी ने उसे कुछ खाना देकर उसके कमरे में बंद कर दिया और फिर मेरे सामने अपनी मासी को फोन कर सार्थक के बारे में बताया उन्होंने मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहा और उस बारे में उन्होंने मेरे घर फोन कर बता दिया ताकि मेरे घर वाले चिंता न करें कुछ एक घंटे बाद उनकी मासी उनके घर आ गई फिर सार्थक के पिताजी और मैंने हमने वहां जो भी देखा था जो भी महसूस किया था वो सब उन्हें बताया मासी ने सार्थक के पिताजी से पूछा क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बीमार नहीं है और उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है सार्थक के पिताजी ने बड़ी शांति से अपनी गर्दन हां में हिलाकर जवाब दिया फिर मासी जी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और वैसे करते हुए वो सार्थक के कमरे के पास चली गई उन्होंने अपने झोले से कुछ भस्म निकाला और उससे दरवाजे पर त्रिशूल का आकार बनाया वो त्रिशूल का आकार बनाते ही कमरे के अंदर से एक अजीब तरह सी झटपटाट की आवाज आने लगी और सार्थक अंदर से जोर जोर से चीखने लगा कान है बाहर कान है बाहर तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी पर मासी जी ने आराम से हमारी ओर देखते हुए कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है अब वो जो भी है वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती फिर भी तुम यही खड़े रहकर उसका ध्यान रखना और जब मैं आवाज हु तो उसे पूजा घर में लेकर आना तब तक मैं कुछ तैयारी कर लेती हूं और उन्होंने सार्थक के कमरे के बाहर ठीक दरवाजे के सामने कुछ अजीबो सामान निकालकर रख दिया जैसे कि टूटे कंगन बालों का गुच्छा नाखून, काले कपड़े का टुकड़ा चप्पल का टुकड़ा ऐसा कुछ वहां और भी बहुत ही अजीबोगरीब सामान था फिर वहां बैठ मासी जी ने कोई मंत्र बोलना शुरू किया उसी के साथ सार्थक कमरे के अंदर से और जोर जोर से चिल्लाने लगा चले जाओ यहां से मैं इतनी आसानी से यहां से नहीं जाने वाली मैं तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर दूंगी सार्थक ये सब बोल रहा था तब घर में सभी लाइट बंद चालू हो रही थी उसके कमरे से एक बहुत ही अजीब सड़न की बदबू पूरे घर में फैल रही थी वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा और फिर अगले ही पल सब अंधेरे में डूब गया सब कुछ एकदम शांत हो गया पूरे घर की लाइट चली गई थी सब तरफ अंधेरा फैल गया मासी जी ने भी मंत्रोच्चारण रोक दिया और वो उठकर दूसरे कमरे में मंदिर के सामने जाकर बैठ गई बस मंदिर के अंदर जो दिया था उसी का ही प्रकाश था जो कुछ हद तक रोशनी दे रहा था अचानक अंधेरा हो जाने के कारण सार्थक की मां और डर गई थी इसलिए सार्थक के पिताजी उसे समझाने फिर से उनके कमरे में चले गए उस वक्त मैं अकेला ही सार्थक के कमरे के सामने खड़ा था दिए की एक हल्की पीली धुंधली रोशनी हर तरफ फैली हुई थी कुछ थोड़ा दूर देखने के लिए भी आंखों पर जोर देना पड़ रहा था सार्थक के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वो सड़न भरी बदबू अब भी आ रही थी मैं वहीं पर रुका रहा मासी जी मंदिर के सामने बैठकर फिर से कोई मंत्र बड़बड़ाने लगी मंत्र बड़बड़ाते हुए ही उन्होंने मुझे हाथों से अपने पास आने का इशारा किया मैं उनके पास चला गया तो तब उन्होंने कहा जाओ और सार्थक को यहां लेकर आओ वो सुनकर मेरा दिमाग सुन्न रह गया क्योंकि अब मुझे सार्थक के कमरे के अंदर जाना था सार्थक के पिताजी भी अब तक बाहर नहीं आए थे मासी ने फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में मुझे कहा जाओ जल्दी ज्यादा वक्त नहीं है मैं जल्दी से सार्थक के कमरे के बाहर चला गया और धीरे से आराम से धक्का देकर दरवाजा खोला कमरे में हर तरफ घना अंधेरा था उस अंधेरे में अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैंने थोड़ी हिम्मत की और मोबाइल टॉर्च ऑन कर कमरे के अंदर कदम रखा कमरे के अंदर सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था मैंने घबराते हुए कमरे के टॉयलेट में देखा पर वो वहां पर भी नहीं था पता नहीं हवा के जैसा वो कहां गायब हो गया था मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था मैं कमरे के बीचों बीच खड़े होकर सोचने लगा कि सार्थक कहां गया होगा तभी मुझे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई मैं मोबाइल टॉर्च घुमाकर यहां वहां देखने लगा और फिर एक धीमी हंसने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी मैंने झट से झुककर बेड के नीचे देखा देखा तो वो वही एक कोने में छुपा हुआ था और मुझे देखकर अजीब आवाज में हंस रहा था उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी उसका वो रूप देखकर मेरे शरीर में बिजली कौन गई और मैं वहां से उठकर भाग पाता तब तक, तक वो किसी छिपकली से सरकता हुआ बाहर आ गया और आकर मेरी छाती पर बैठ गया मैं नीचे गिर पड़ा था और उसने अपने एक हाथ से मेरे गले को दबाकर रखा था मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था तभी उसने मेरा मुंह खोलकर अपना दूसरा हाथ अंदर डाला मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी शायद कुछ एक आध मिनट मैं उसी हालत में पड़ा रहता तो मैं वहीं पर दम तोड़ देता लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि उसी पल सार्थक के पिताजी वहां आ गए उन्होंने सार्थक को मेरी छाती से दूर किया मैं घबराया हुआ बस वहां पड़ा हुआ था सार्थक के पिताजी मुझे उठाकर वहां से बाहर ले गए और सार्थक की मां के पास छोड़कर उन्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा वो फिर से उस कमरे से बाहर चले गए मैं वही बेड पर पड़ा रहा कुछ देर बाद हमें बाहर से सार्थक के चीखने की उसकी उल्टी करने की चिल्लाने की आवाजें आती रही बहुत ही अजीब आवाजें थी बाहर क्या चल रहा था हमें कुछ पता नहीं था लेकिन हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी करीबन आधे घंटे तक बाहर कुछ तो चलता रहा फिर अचानक से सब कुछ एकदम से शांत हो गया सार्थक पर किसी तरह की पूजा की गई थी जिससे उसके शरीर पर जिस प्रेतात्मा ने कब्जा किया था उसे बाहर निकाला गया था सब शांत होने के बाद मैं बाहर चला गया सार्थक उसके कमरे में आराम से सो रहा था सार्थक के पिताजी मासी सब ठीक लग रहे थे तब सार्थक के पिताजी मुझे मेरे घर छोड़ने चले आ गए लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के कारण उन्हें बहुत बुरा लग रहा था वो बार बार मुझसे सॉरी कह रहे थे लेकिन सच कहे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी जो भी गलती थी हमारी थी न हम उस जंगल के पास जाते और न सार्थक के साथ ये सब कुछ होता दो दिन बाद मेरी सार्थक से कॉलेज में फिर से मुलाकात हुई हम दोनों भी उसके साथ हुए हादसे के बारे में बातें कर रहे थे और बातें करते करते उन पर रहे थे। लेकिन सार्थक का यह कहना था कि पार्टी के वक्त उसे बहुत ही जोर की आई थी और उठकर से चला गया था यहीं तक उसे याद है उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ भी पता नहीं था वो सब ऐसा था जैसे उसके जिंदगी से कुछ घंटे गायब हो गए हो तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी एक बहुत ही अजीब सी घटना तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताए और हाँ अब आखिर में मैं आपको मेरी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं कुछ हफ्तों से मेरा बेटा और मैं हम दोनों भी एक एच वन एन वन इस वायरस से बीमार थे जिसमें आंखें लाल हो जाना बदन दर्द होना बुखार का कम ज्यादा होना ऐसी कई तकलीफें हमें हो रही थी जिसमें हमें गले का इंफेक्शन भी हो रखा था और इसीलिए मेरी आवाज़ भी बैठ गई थी अभी फिलहाल मैं काफी हद तक ठीक हो चुका हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए कहानियां लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ तब तक के लिए अलविदा <laughs>